friends welcome to the class of uh, welcome to the class of quality assurance and uh, this subject is the part of a b form course uh, 6 semester and the code of this subject is bp606t and uh, this unit for uh, this is actually the part of uh, unit 4 of uh, quality assurance subject इन सिक्स सेमेस्टर एंड द टुडेज टॉपिक इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री कोई भी डॉक्यूमेंट जब बनाया जाता है तो उसके पीछे कोई इंटेंशन होता है द बेच फार्मूला रिकॉर्ड एंड मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री दैट आर एक्चुअली प्रिपेयर फॉर एनी बैच और एनी प्रोडक्ट सो दिस इज अवर टू डेज टॉपिक तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड क्या होता है और मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड और इन दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है सो आई एम एन डॉक्टर अलंकार श्रीवास्तव फ्रॉम एसोसिएट प्रोफेसर काइट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड काइट स्कूल ऑफ फार्मेसी सो लेट्स टू डेज क्लास तो सबसे पहले बात करते हैं बैच फार्मूला रिकॉर्ड की सो व्हाट इज दिस बैच फार्मूला रिकॉर्ड बैच फार्मूला रिकॉर्ड और बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच इंटरमीडिएट एंड एपीआई फॉर्मूलेशन एंड शुड इंक्लूड कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल ऑफ ईच बैच ठीक है तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये ये है कि बैच फार्मूला रिकॉर्ड बेसिकली हर ए मान लीजिए कि कोई बल्क इंडस्ट्री है जो कि कोई बल्क प्रोडक्ट बनाती है तो उसका जो प्रोडक्ट होगा वो तो कोई बल्क प्रोडक्ट ही होगा तो मान लीजिए कि वो कोई एक्स व एक ड्रग एक्स प्रिपेयर कर रही है तो ड्रग एक्स जो भी उसका रिस्पेक्टिव बैच होगा क्योंकि हर कोई भी एपीआई हो या कोई भी फॉर्मूलेशन हो मान लीजिए कि इस ड्रग्स को किसी ने प्रोक्योर किया और प्रोक्योर करने के बाद उससे फॉर्मूलेशन प्रिपेयर किया है ना लेट्स से कि वो टैबलेट उसने प्रिपेयर किया अब ये जो टैबलेट होगा ये तो फॉर्मूलेशन हुआ तो ये टैबलेट जो बनेगा ये भी तो बैच में बनेगा और इसी वजह से जो भी बैच हम लोग बना रहे हैं वेदर द केस इज़ ए पी आई और द फॉर्मूलेशन एवरी बैच और फार्मुलेशन वी हैव टू प्रिपेयर दिस बैच फार्मूला रिकॉर्ड एक कम्प्लीट रिकॉर्ड होगा इसमें यह क्यों प्रिपेयर किया जाता है क्यों बनाया जाता है इसको समझना जरूरी है ये इसलिए बनाया जाता है पहला चीज़ कि अफकोर्स हमारे पास किसी भी बैच का जो हमने बनाया है उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए देखिए फ्यूचर में मान लीजिए कि, कि किसी प्रोडक्ट में किसी बैच में कम्प्लेंट आ जाती है तो हम उसको कैसे क्रॉस चेक करेंगे कैसे वेरीफाई करेंगे कि कंप्लेंट जो है वो जेन्यून है या नहीं वी कंप्लेंट इज जेन्युन और नॉट ये हम कैसे एश्योर करेंगे कैसे हम इसको वेरीफाई करेंगे और उसको वेरीफाई करने का एक प्रॉपर तरीका होता है दैट इज़ बैच फॉर्मूला रिकॉर्ड विच इज़ एक्चुअली प्रिपेयर फॉर दी पर्टिकुलर बैच ऑफ एनी प्रोडक्ट और एपीआई सो दिस इज द बेसिक ऑफ़ दिस मास्टर बैच फॉर्मल रिकॉर्ड नाउ दिस डॉक्यूमेंट प्रोवाइड ए हिस्ट्री ऑफ ईच बैच जैसे कि अभी हम लोग बात कर ही रहे थे मैंने आप लोगों को बताया था कि एक्चुअली में ये क्या बताता है हमें हिस्ट्री बताता है हर एक बैच की ऑफ द प्रोडक्ट एंड ऑफ ऑल दर्कम्स्टेंसेस पर्टिनेंट टू द क्वालिटी ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट तो कोई भी फाइनल प्रोडक्ट हम बना रहे हैं वेदर इट इज ए पी आई और वेदर इट इज द केस ऑफ फॉर्मुलेशन तो उसका हमें एक पूरा जो हिस्ट्री होती है वो हमें प्रॉपरली बता देता है कि किसने कब क्या किया था उसका रिज़ल्ट क्या रहा था मान लीजिए हम इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल कर रहे हैं तो इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल हमने जितने भी किए थे उसका रिज़ल्ट क्या था किसने क्या काम किया था किसकी क्या रिस्पांसिबिलिटी थी कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए गए थे कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व थे और वो टेस्टिंग उसकी कब परफॉर्म की गई थी सो दिज ऑल थिंग्स आर एक्चुअली इंक्लूडेड इन दी बिदिस बैच फार्मूला रिकॉर्ड ना बैच मैनुफैक्चरिंग रिकॉर्ड इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट फ्रॉम दी बैच दैट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग द फार्मासूटिकल मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस एंड इट कंटेन्स एक्चुअल डाटा ऑफ द बैच मैनुफैक्चरिंग एंड दी होल मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस स्टेप बाई स्टेप तो देखिए कोई भी फार्मलेशन है जब भी हम प्रिपेयर करेंगे वो किसी भी तरह का हो वो सॉलिड डोजेस फार्म हो लिक्विड डोजेस फार्म हो सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म हो पैरेंट्रॉल हो कुछ भी हो लेकिन जब भी हम उसको प्रिपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली हमने वहाँ पर कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूज़ किया है और उसका भी एक पर्टिकुलर स्टेप है तो जितने भी स्टेप्स होंगे जो कि हमने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज़ किए गए होंगे उन सारे चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है जैसे फॉर एग्जाम्पल टैबलेट है तो टैबलेट स्टार्ट होगी कहाँ से ग्रैनुलेशन से स्टार्ट होगी ग्रैनुलेशन होगा सॉरी पहले मिक्सिंग होगी मिक्सिंग के बाद फिर वो ग्रैनुलेशन uh, होगा ग्रैनुलेशन के बाद उसका ड्राइंग होगी ग्रैन्योस की दैन उसके बाद फाइनली कंप्रेशन होगा कंप्रेशन होने के बाद फाइनली जो टैबलेट होगी वो पैकेजिंग लाइन में जाएगी तो ये सारी जो स्टेप बाय स्टेप्स होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फार्मोलेसन की मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्चुअली में यही स्टेप्स होती हैं मे भी इस इससे कम या इससे ज़्यादा स्टेप्स भी हो सकती हैं तो जितनी भी स्टेप्स होंगी उन सारे स्टेप्स का यहाँ पर कंप्लीट डिटेल होगा चलिए फिर आगे बढ़ते हैं ना ऑल स्टेजेस आर इंक्लूडेड इन द बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड फ्रॉम दी इशुएंस ऑफ द रॉ मटेरियल टू द फाइनल पैकेजिंग तो जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाएंगे तो ऑब्वियसली हमको रॉ मटेरियल की जरूरत है तो रॉ मटेरियल जब आ, आपका जो रॉ मटेरियल का इशू होगा वहाँ से लेकर के जो फाइनल पैकेजिंग होगी मटेरियल जो आपका फिनिश वुड बन गया उसकी जो फाइनल पैकेजिंग होगी उस उन सारी स्टेज का प्रॉपर रिकॉर्ड इसमें मेनटेन किया जाता है बैच हिस्ट्री ऑफ द बैच प्रोडक्शन एंड दी डॉक्यूमेंट्स एंड द प्रूफ आर अटैच टू दी बी एम आर ड्यूरिंग द मैन्युफेक्चरिंग प्रोसेस अब जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सबके प्रूफ्स भी होंगे जैसे कि हमने रॉ मटेरियल रिसीव किया तो उसकी रिसिप्ट होंगी उनकी एल uh, आर्स होंगी जो ट्रांसपोर्टेशन से आएंगी जो वेयर हाउस से जो शिफ्ट होकर के मैन्युफैक्चरिंग एरिया में आई उसकी रिसिप्ट होंगी उसमें पर्टिकुलर लोगों के सिग्नेचर्स होंगे कि कितना इशू किया गया और कितना एक्चुअली रिसीव किया गया और इसके अलावा देखो जब भी कोई हम प्रोसेस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग होती है तो मैन्युफैक्चरिंग में अलग अलग स्टेप्स होते हैं तो अलग अलग स्टेप्स की अलग अलग यील्ड होती है अगर हमने 100 के हंड्रेड के को मिक्सिंग में डाला है तो एक्चुअली में हमको पूरा हंड्रेड के मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं होता है तो वहाँ पर हर एक स्टेप में क्या हमारा एक्चुअली में वो उसका परफॉर्मेंस था ये सारी जो रिकॉर्ड्स होती है वो बी में इंक्लूड की जाती है हर एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का डिटेल यहाँ होता है नब बी एम आर के पार्ट्स क्या क्या होते हैं बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अब पार्ट समझते हैं ये तो हमने बेसिक समझ लिया कि बी एम आर क्या होता है और उसमें कौन कौन से आ, मतलब क्यों बनाया जाता है और दूसरा कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है अब हम इसको इसके पार्ट्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं तो सबसे पहले देखिए बैच रिकॉर्ड इसमें क्या आएगा ए वेरी फर्स्ट पेज ऑफ द बी एम आर हैज़ ऑल रिकॉर्ड्स अबाउट द बैच एंड एज बैच नंबर बैच साइज कंपोजिशन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड रेफर टू दी वेट्स ऑफ द बैच शेल्फ लाइफ स्टोरेज कंडीशंस मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट डेट ऑफ स्टार्टिंग एंड डेट ऑफ कंप्लीशन तो किसी भी कोई भी जो प्रोडक्ट होता है उसके जो इम्पॉर्टेंट इन्फार्मेशन uh, होती है आप लोग क्या देख रहे होंगे ये सारे इसके इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि कौन सा बैच है उसका बैच नंबर क्या है और इसके अलावा उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या एक्सपायरी डेट क्या है और कौन से मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड को रेफ़र करके उसको बनाया गया है देखिए मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड भी हमारा टॉपिक है इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे तो कौन से एम को मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड को रेफर करके इस इस प्रोडक्ट को बनाया जा रहा है तो दिस इज एक्चुअली द बैच रिकॉर्ड और ये सारी इंफॉर्मेशन शुरू में ही होती है ताकि कोई भी क्लियरली ये समझ सके कि कोई बैच है किस बैच का बी ये है सेकेंड थिंग इज जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग का एक जनरल इंस्ट्रक्शन यहां पर होगा तो देखिए इसमें क्या क्या इंक्लूड होगी हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्ट्रक्शन टू दी ऑपरेटर्स सबसे पहली चीज कि जब भी किसी बैच को बनाया जाता है तो उसमें बहुत आ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स इन्वॉल्व होती हैं और इन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स और केमिकल्स और एकमेंट्स की वजह से होता यह है कि हेल्थ और सेफ्टी इशू भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं तो हेल्थ और सेफ्टी इशू जो होते हैं इसको भी यहाँ पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया जाता है कि कौन से हेल्थ और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस ऑपरेटर्स को दिए गए दिए जाने हैं ताकि आपका जो बैच है वो सही तरह से बन सके मैन्यू टू ऑपरेटर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट आर रिटर्न दो शुड बी फॉलो ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द मटेरियल एंड इक्विपमेंट्स यूज ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ठीक है तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज है उसको भी डॉक्यूमेंट किया जाता है थर्ड थिंग इक्विपमेंट क्लीनिंग रिकॉर्ड इक्विपमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग में और इक्विपमेंट्स की क्लीनिंग के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू भी हो जाता है कभी कभी कि इक्विपमेंट्स अगर प्रॉपरली क्लीन नहीं है उनका क्लीनिंग वैलिडेशन में कोई प्रॉब्लम है देन दैट विल कॉज द कॉन्टामिनेशन इन द फिनिश प्रोडक्ट और यही रीज़न है कि इक्विपमेंट का जो क्लीनिंग रिकॉर्ड है उसको भी मेनटेन करके रखना पड़ता है इक्विपमेंट्स अगर ऑब्वियस ही बात है अगर क्लीन नहीं होंगे तो कॉन्टामिनेंट आपके एंड प्रोडक्ट में आएगा और कोई भी फार्मा इंडस्ट्री या ये नहीं चाहेगी कि उसके प्रोडक्ट में कॉन्टामिनेशन आए क्योंकि ना क्योंकि कोई कंज्यूमर भी ये इनफैक्ट नहीं चाहेगा कि उसके प्रोडक्ट में कोई कॉन्टामिनेशन हो इसलिए इस रिस्क को नहीं होने देने की वजह से इक्विपमेंट क्लीनिंग रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखे जाते हैं कि इक्विपमेंट्स को हमने कैसे क्लीन किया था चेकलिस्ट ऑफ द रेफरेंस ऑफ ऑल इक्विपमेंट्स इज़ प्रिपेयर हर एक इक्विपमेंट्स की चेकलिस्ट होती है जैसे मिक्सिंग है मिक्सिंग में अलग एक ब्लेंडर होगा ब्लेंडर की एक रिकॉर्ड होगा कि उसको हमने मिक्स कर उसको हमने प्रॉपर्ली क्लीन कर दिया फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हम ग्रैनुलेशन कर रहे हैं उसके जो इक्विपमेंट्स होंगे वो उसको उसकी क्लीनिंग का हमारे पास पूरा चेकलिस्ट होगा कि हमने एक एक करके सारे इक्विपमेंट को प्रॉपरली क्लीन किया हुआ है ठीक है तो ये चेकलिस्ट हमने प्रिपेयर करते हैं दोज आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द बैच इंक्लूडिंग द प्रीवियस प्रोडक्ट बैच एंड डेट ऑफ क्लीनिंग क्लीनिंग ऑफ द इक्विपमेंट शुड बी चेकड बाई द क्वालिटी एश्योरेंस तो क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट इसको चेक करता है कि एक्चुअली इक्विपमेंट को क्लीन किया भी गया है या नहीं किया गया है नाउ द फोर्थ थिंग इज द बिल्स ऑफ मटेरियल मटेरियल के जितने भी बिल्स होते हैं उनको यहाँ पर अटैच किया जाता है अलग अलग तरह के मटेरियल होंगे जितने भी रॉ मटेरियल होते हैं शुड हैव द्वान्टिटी ऑफ द मटेरियल विद देयर एनालिटिकल रेफरेंस नंबर्स हर एक जितने भी यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है रॉ मटेरियल बहुत अलग अलग तरह का होता है रॉ मटेरियल ज़रूरी नहीं कि वो आपके एंड प्रोडक्ट में आए जैसे फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम्पल किसी कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बनाने के लिए एसीटोन को यूज़ किया जा रहा है तो वो एसीटोन जरूरी नहीं कि आपके एंड प्रोडक्ट में आए वो तो बीच में कंज्यूम हो गया लेकिन वो भी एक्चुअली में रॉ मटेरियल ही कहलाएगा तो रॉ मटेरियल जितने भी हैं उनके जो एनालिटिकल नंबर्स हैं वो यहाँ पर मेंशन कि एनालिटिकल रेफरेंस नंबर्स होते हैं एआर नंबर का मतलब एनालिटिकल रेफरेंस नंबर होता है उन सब चीज़ों को यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाता है उनके जितने भी वेट्स थे वो वेरीफाई करते हैं कौ, कौन क्वालिटी एश्योरेंस वेरीफाई करता है इफ़ दी टैबलेट्स आर कोटेड दैन कोटिंग मटेरियल शुड बी इंक्लूडेड अगर टैबलेट्स अगर कोट किए जा रही हैं तो उसका जो कोटिंग मटेरियल होगा उसको भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है देन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमने यूज़ किया था क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अगर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगा तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुड बी रिटर्न स्टेप बाय स्टेप इन इजी लैंग्वेज एक बहुत ही ईजी लैंग्वेज में उसको मैंशन करना ज़रूरी होता है मीलिंग है शिफ्टिंग है ड्राइंग है लुब्रिकेशन है कंप्रेशन है कोटिंग पैकेजिंग ये जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हैं उनकी प्रॉपर एक चेक लिस्ट जो होती है वो वहाँ पर अटैच की जाती है कि ये सारे जो प्रोसेस हैं उनको किस तरह से परफॉर्म किया गया है और एक्चुअली में परफॉर्म किया गया है ठीक okay, है तो ये सारी चीजें इसमें मेंशन होती है देन आफ्टर क्लीनिंग ऑफ द एवरी स्टेज टैबलेट्स मस्ट बी चेक्ड फॉर दी कंप्लायंस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ दैट स्टेज रिजल्ट शुड बी अटैच विद द बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड रिजल्ट होते हैं वो बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में मैंशन किए जाते हैं देन उसके बाद आता है ईल्ड आता है द इल्ड ऑफ द बैच शुड बी कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी स्टेज टू कैलकुलेट द प्रोसेस लॉस हर एक स्टेज में हम कुछ ना कुछ पार्ट प्रोडक्ट का लॉस होता है जैसे फॉर एग्जांपल हमने अगर हम टेबलेट बना रहे हैं हमने मिक्सिंग की सबसे पहले तो मिक्सिंग में हमें 100% परसेंट प्रोडक्ट मिल जाएगा आउटकम मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है मान लीजिए कि के 100 केजी हमने मिक्सिंग की तो हमें 99.5% नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव परसेंट हमें एक्चुअली में प्रोडक्ट मिला यानी कि नाइन्टी नाइन पॉइंट फाइव किलोग्राम हमें एक्चुअली में आउटपुट मिला फिर हम ये इसको ग्रैनुलेशन करेंगे तो हो सकता है कि देयर में भी सम मोर लॉस और फाइनली कंप्रेशन करेंगे तो कुछ टैबलेट्स हमारी ख़राब हो गई तो हर एक स्टेप में जो इल्ड थी वो कितनी थी और ये पूरा जो प्रॉपर कैलकुलेशन जो होता है वो भी यहाँ पर मेंशन किया जाता है दैन सेवंथ पार्ट इज़ दी एब्रीविएशन बहुत से ऐसे एब्रीविएशन होते हैं उनकी लिस्टिंग जो होती है वो यहाँ पर मैंशन की जाती है बहुत से छोटे छोटे एब्रीविएशन होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं फार्मासिकल इंडस्ट्री में अगर ऐसा कुछ है तो उसको यहाँ मैंशन किया जाता है दैन एट्थ पार्ट इज दिस्ट्री ऑफ चांसेस देन इसमें एट दी एंड डॉक्यूमेंट शुड हैव दिस्ट ऑफ चेंजेस सॉरी दिस इज लिस्ट ऑफ चेंजेस चेंजेस इन दी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग द रिविज़न नंबर एंड दी डेट ऑफ चेंज कभी कभी ऐसा होता है कि हमें किसी डॉक्यूमेंट को चेंज करना पड़ता है और ये कभी कभी जी रिक्वायरमेंट कभी चेंज हो जाती है कभी रेगुलेटरी बाइंडिंग होती है तो हमें कभी कभी कोई डॉक्यूमेंट को अगर चेंज करना पड़ गया तो वो चेंजेस होते हैं उसकी भी जो हिस्ट्री होती है उसको भी यहाँ मैंशन किया जाता है कि दिस डॉक्यूमेंट हैज़ बिन चेंज्ड और जो प्रीवियस डॉक्यूमेंट होता है उसको भी रिटेन करके रखा जाता है ताकि ये भी क्लियरली हमें समझ में आए कि पहले क्या डॉक्यूमेंट था और नया जो डॉक्यूमेंट अटैच किया गया है वो एक्चुअली में क्या है सो दिस इज़ अबाउट बी अब हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड की दैट इज़ मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड तो देखिए अभी इसके पहले हमने बैच फार्मूला रिकॉर्ड पढ़ा था और ये वहाँ पर ध्यान देने वाली बात थी कि बैच फार्मूला रिकॉर्ड इज़ एक्चुअली बैच स्पेसिफिक किसी भी प्रोडक्ट का जब हम कोई भी बैच बनाते हैं तो हर एक बैच के लिए हमें वो रिकॉर्ड बनाना होता है हर एक बैच का प्रोडक्ट बनेगा सॉरी रिकॉर्ड बनेगा लेकिन मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड एक्चुअली में किसके लिए बनाया जाता है ये एक्चुअली में किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए बनाया जाता है ना कि बैच के लिए जैसे मान लीजिए कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूँ एंड आई एम मैन्युफैक्चरिंग पैरासीटाम टैबलेट तो पैरासीटाम टैबलेट बनाने का सबसे पहले तो मेरे पास मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड होगा और उसके बाद जब मैं बैचेस बनाऊंगा तो हर एक बैच का एक प्रॉपर बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर किया जाएगा बनाया जाएगा बिल्कुल यहाँ पर भी यही होगा कि इसीलिए मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड को ही रेफर करके बैच फार्मूला रिकॉर्ड को बनाया जाता है जब हम बैच फॉर्मुला रिकॉर्ड बनाने जाएंगे तो हमें यह मेंशन करना जरूरी है कि हमने कौन से मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड को रेफर किया था नो मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड क्या होता है इज ऑल्सो कॉल्ड एम मास्टर प्रोडक्शन रिकॉर्ड ये सब इसके थोड़े सिनोनिम्स हैं एम एफ आर इज यूज एज ए रेफरेंस फॉर प्रिपेयरिंग बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड देखिए यहाँ पर वही चीज है बाय मैन्युफैक्चरर यूनिट्स तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का जो आ, Uh, ये बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड जो होता है जो मैंने अभी अभी बताया उसको रेफर एम एफ आर को ही रेफर करके बी एम आर को बनाया जाता है देन इट इज प्रिपेयर्ड बाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ऑब्वियसली अभी तो बैचेस हमारी बनी नहीं बननी शुरू ही नहीं हुई तो इसको बनाने के लिए आ, कौन लोग जिम्मेदार होते हैं दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम वही एक्चुअली में इसको प्रिपेयर करती है तो ये पूरी रिसर्च से इसको तैयार करती है कि कौन सा प्रोसेस हमारा कैसा है कि क्या करेंगे तो क्या होगा ये सब उनके पास प्रॉपरली पहले से ही आ, उन्होंने करके देख लिया है उसके बाद फिर मास्टर फॉर्मूला रिकॉर्ड को तैयार किया है देन एम एफ आर इज़ ए मास्टर प्रोडक्शन ऑफ एनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड इट एंड इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कंसिस्टेंसी ऑफ एनी फार्मोस्टिकल प्रोडक्ट एम एफ आर को इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि अगर उस फार्मूले को उस तरीके को यूज़ करके हम कोई भी फार्मेस्टिकल प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट कंसिस्टेंटली एकदम प्रॉपर एक ही क्वालिटी का हमें मिलता हुआ जाएगा देन इसको डिफाइन क्या करते हैं ए डॉक्यूमेंट और दी सेट ऑफ डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइंग द स्टार्टिंग मटेरियल विद देयर क्वांटिटीज एंड दी पैकेजिंग मटेरियल्स Together with a description of procedures and precautions required to produce the specified quantity of the finished product as well as the processing instructions, including the in-process controls. So, jok the processing instruction hoga, finished product in-process controls these Sara Chi mentioned mention kia hai. Now, this shall be prepared and endorsed by the कंपेटेंट टेक्निकल स्टाफ जरूरी है यहाँ पर बहुत ही इसेंशियल है मास्टर फॉर्मुआ रिकॉर्ड को बनाने के लिए एक बहुत ही कंपेटेंट टेक्निकल स्टाफ होना चाहिए हेड ऑफ़ दी प्रोडक्शन और क्वालिटी कंट्रोल इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको होती है किसकी होगी एफ की अभी हमने पढ़ लिया था फार्मोलेशन एंड डेवलपमेंट टीम ही एक्चुअली में इसको बनाएगी एंड दी प्रोडक्शन सेकेंडरी किसका होगा इसको मेनटेन करने का क्यू डिपार्टमेंट का रोल यहाँ पर रहेगा दैन एम एफ आर में एक देखिए क्या क्या होता है एक तो प्रोडक्ट डिटेल होगा डोजेस फॉर्म ब्रांड नेम जेनरिक नेम दे प्रोडक्ट कोड लेबल क्लेम ऑफ और इन्ग्रीडियंट्स दैन प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन बैच साइज पैक पैक साइज पैकिंग स्टाइल शेल्फ लाइव एंड स्टोरेज कंडीशन एम एफ आर नंबर एंड डेट सुपर सेट एम एफ आर नंबर एंड डेट देन इफेक्टिव बैच नंबर ऑथराइजेशन बाई दी प्रोडक्शन एंड क्वालिटी एश्योरेंस ये भी इसमें इंक्लूड होगा देन नेक्स्ट थिंग इज़ दी इक्विपमेंट्स कौन कौन से इक्विपमेंट्स उसमें यूज़ किए जाएंगे उसको बनाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शंस प्रिकॉशंस ये भी यहाँ पर इंक्लूड होगा कौन कौन सी कैलकुलेशंस यूज़ की जाने वाली होगी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए व्हाट शुड बी द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैन पैकेजिंग कैसे होगी पैकिंग कैसे किया जाएगा किसी भी फार्मोलेशन को दैन उसका ईल्ड कितना होना चाहिए हर एक फॉर्मूलेशन का हमें यह भी क्लियर पता होना चाहिए कि ईल्ड कितना होना चाहिए अगर हमने मिक्सिंग की है तो ऐसा ना हो जाए कि ईल्ड इसकी इतनी कम हो जाए कि एक्चुअली में उसका कोई आ, उसका हमारा एक्चुअल आउटकम जो होगा वो नेग्लिजिबल हो तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो पहला जो टॉपिक था दैट इज़ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दैट इज़ एक्चुअली दी बैच स्पेसिफिक रिकॉर्ड और जो दूसरा रिकॉर्ड होता है जो अभी अभी हमने देखा है दैट इज़ मास्टर फार्मूला रिकॉर्ड वो एक्चुअली में एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है ये किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो आर एंड डी टीम होती है किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की वो उसको प्रिपेयर करती है उसको बनाती है और उसके बाद उसको रेफर करके बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को बनाया जाता है सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड एंड मास्टर फार्मुना रिकॉर्ड तो थैंक यू जय हिंद जय भारत